हेलो फ्रेंड, वेलकम इन ओम नर्सिंग एकेडमी। मैं नेहा नाडीवाला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे यूरिन कलेक्शन मेथड के बारे में। जो भी यूरिन के लिए सैंपल लेते हैं उसके बारे में, हमें स्पेसिफिकेशन कहाँ से आते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको हॉस्पिटल में प्रोसीजर के दौरान भी पूछ सकते हैं, एग्जामिनर आपका वाइवा लेगा तब भी पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो भी यूरिन का सैंपल है वो कैसे लिया जाता है। एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आपको जरूर देखना है। इसमें सबसे पहले देखिए रैंडम सैंपल कलेक्शन। जो भी यूरिन का जो भी सैंपल है वो अगर दिन के किसी भी टाइम पे लिया जाए, ठीक है, देखिए दिन के किसी भी समय पे जो भी सैंपल लेते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, रैंडम सैंपल कलेक्शन, रैंडम सैंपलिंग ऑफ यूरिन। ठीक है, कि दिन के किसी भी टाइम पे ले सकते हो आप, दोपहर में, शाम को, वो किसमें आएगा, रैंडम सैंपलिंग में आएगा। लेकिन क्या होता है कि जो भी यूरिन का सैंपल है वो मोस्टली कब लिया जाता है, अर्ली मॉर्निंग में लिया जाता है, लेकिन रैंडम सैंपलिंग में कभी भी ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसमें देखिए, यह क्लिनिकल प्रैक्टिस में लिया जाने वाला कॉमन मेथड है, सबसे कॉमन मेथड है ये, ठीक है, लेकिन रिलायबल नहीं है। अब देखिए रिलायबल क्यों नहीं है, रिलायबल इसलिए नहीं है, ये माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए तो काम में ले सकते हैं, लेकिन जो भी माइक्रोबियल कल्चर सेंसिटिविटी है उसके लिए काम में नहीं ले सकते। ठीक है, ये रैंडम सैंपल कलेक्शन। ठीक है, इसमें नेक्स्ट देखेंगे हम टाइम स्पेसिमेन कलेक्शन, यानी एक टाइम स्पेसिमेन कलेक्शन की एक टाइम में दिया जाता है कि इतने टाइम का जो भी यूरिन है उसको कलेक्शन करना है, उसके लिए टेस्ट करना है। तो इसमें देखिए 24 आवर्स यूरिन का सैंपल कलेक्शन, इसके बारे में हम देखेंगे। एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। इसमें 24 घंटे का जो भी यूरिन है उसको लिया जाता है। तो इसमें देखिए, इसमें यूरिन सैंपल को एक पर्टिकुलर दिए गए वक्त पे लिया जाता है, जैसे सुबह 8 से अगले दिन के सुबह 8 बजे तक। ये कितने घंटे का पीरियड हो गया, 24 आवर्स का, 24 घंटे का पीरियड हो गया। ठीक है, मतलब आज सुबह के 8 बजे से लेके कल सुबह के 8 बजे के बीच में यूरिन कलेक्शन करना, ये क्या हो गया, 24 आवर यूरिन कलेक्शन। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रोसीजर की बात करेंगे इसमें हम, प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है कि कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो इसमें देखिए, जो भी टाइम यूरिन कलेक्शन है यह पेशेंट को यूरिनेट करने के बाद से शुरू होता है। जो भी पेशेंट है मॉर्निंग का पहला जो भी यूरिन है पास आउट करेगा उसके बाद से शुरू होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर कोई भी क्लाइंट है वो दिन का पहला जो भी यूरिन है वो पास आउट करेगा, उसके बाद से जो भी सैंपल है वो शुरू होगा, जिसमें क्या कहते हैं, जिसमें दिन का पहला जो भी यूरिन स्पेसिमेन है उसको डिस्कार्ड किया जाता है। ठीक, जो भी पहला सैंपल होगा उसको क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे, उसके बाद से जो भी सैंपल है, जो भी यूरिन है उसको सभी को कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, 24 आवर तक, मतलब सुबह 8 बजे से जो भी यूरिन है वो पहला यूरिन है वो तो आपने डिस्कार्ड कर दिया, उसके बाद में जितनी भी बार जो भी क्लाइंट है यूरिन पास आउट करेगा उसको कलेक्ट करना है अगले दिन के सुबह के 8 बजे तक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उसके बाद अगर 24 आवर में प्रत्येक जो भी यूरिन है उसको कलेक्ट करना है, अगर 24 घंटे में कोई भी एक यूरिन का जो भी कलेक्शन है, जो भी सैंपल है, अगर स्पेसिमेन वो छूट गया तो जो भी टेस्ट है उसको क्या माना जाता है, माना जाएगा इनएक्यूरेट, उसको सही नहीं माना जाएगा। आपको जो भी यूरिन का कलेक्शन है वो पूरे 24 घंटे में जितना भी यूरिन है, जितना भी यूरिन स्पेसिमेन है पूरे को कलेक्ट करना है। नेक्स्ट है, यूरिन स्पेसिमेन को डिटेरियोशन होता है बिगड़ने से, जो भी यूरिन है उसको बिगड़ने से बचाने के लिए उसको क्या किया जाता है, उसको आइस पर रखा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम यह देखेंगे जो भी 24 आवर यूरिन कलेक्शन है वो क्यों किया जाता है। तो इसमें देखिए, 24 आवर यूरिन टाइम कलेक्शन इज यूज्ड फॉर यूरिया क्रिएटिनिन, जो भी यूरिया क्रिएटिनिन है उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसका टेस्ट करने के लिए, ये मोस्टली जो भी रेनल फेलियर वाले केस है उसमें देखने के लिए करते हैं। प्रोटीन यूरिया मतलब यूरिन के अंदर जो भी प्रोटीन है वो उसको डिटरमाइन करने के लिए, प्री एक्लाम्सिया और एक्लाम्सिया वाले केस में आपको देखने को मिलता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ये आपको देखने को मिलता है। हॉर्मोन्स और एडिनोकोर्टिकोस्टेरॉइड है उसका पता करने और यूरिन के अंदर ग्लूकोज का पता करने के लिए, जो भी ग्लूकोसोरिया कंडीशन है पता करने के लिए जो भी 24 आवर यूरिन कलेक्शन है वो किया जाता है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टू चेक कंप्लीट यूरिन आउटपुट पर डे, और पर डे का जो भी यूरिन आउटपुट है उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 24 आवर यूरिन कलेक्शन है वो करते हैं। ठीक, अब इसमें थर्ड मेथड है वो है क्लीन कैच एंड मिड स्ट्रीम मेथड।
तो इसके अंदर क्या किया जाता है, इसमें जो भी स्टराइल यूरिन सैंपल है वो कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और ये किसके लिए काम में लेते हैं, यूरिन कल्चर के लिए। कल्चर क्या होता है, कल्चर में हम माइक्रोबियल कल्चर एंड सेंसिटिविटी है वो देखते हैं, ठीक है। समझिए कि आपने क्या किया, यूरिन का कल्चर किया और उसमें क्या डिटेक्ट हुआ, ई कोलाई। तो उस कल्चर से आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो भी क्लाइंट है वो कौन सी एंटीबायोटिक लेगा उसके लिए सेंसिटिव है, और कौन सी एंटीबायोटिक है उसके लिए उसमें रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है क्लाइंट के अंदर इन्फेक्शन देखने के लिए, प्लस में वो उसके लिए कौन सी एंटीबायोटिक है उसके लिए सेंसिटिव है, और कौन सी एंटीबायोटिक के लिए उसमें अंदर रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें यूरिन कल्चर में पता किया जाता है। तो ये क्लीन कैच एंड मिड स्ट्रीम मेथड से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रोसीजर, जो भी क्लीन कैच एंड मिड स्ट्रीम मेथड है वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेल के अंदर। तो मेल में देखिए, होल्ड पेनिस क्लीन मीटर्स विद स्टराइल एंटीसेप्टिक टॉयलेट बाय यूजिंग सर्कुलर मोशन फ्रॉम सेंटर टू आउटसाइड 3 टाइम्स। आप इसको डायग्राम को देखिए, डायग्राम में इसमें दिखाया गया है कि इसमें पेनिस को होल्ड करके, ठीक है, इसमें जो भी क्लाइंट है वो क्या कर रहा है, मीटर्स को क्लीन कर रहा है, स्टराइल जो भी टॉयलेट है उसके साथ में, कहाँ से, जो भी मीटर्स का सेंटर वाला एरिया है वहां से लेके आउटसाइड तक, ठीक है, कम से कम 3 बार। के बाद में ड्यूरिंग यूरिनेशन कलेक्ट मिड स्ट्रीम यूरिन, जो भी यूरिन है वो कौन सा होगा, मिड स्ट्रीम, ठीक है, कलेक्ट मिड स्ट्रीम यूरिन इन ए 90 to 120 ml इन ए स्टराइल कंटेनर, जो भी कंटेनर होगा वो स्टराइल होगा, ठीक है। डिस्कार्ड फर्स्ट एंड लास्ट यूरिन ड्रॉप, जो भी यूरिन की फर्स्ट और लास्ट ड्रॉप आपको उसको डिस्कार्ड करना है, आपको कौन सा यूरिन लेना है, मिड स्ट्रीम यूरिन। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, जब भी सैंपल कलेक्शन करते हैं, ठीक है, क्लीन एंड कैच से, तो आपको उसमें क्या कहते हैं, मिड स्ट्रीम यूरिन है उसको लिया जाता है, ठीक है। मतलब जो पहला और लास्ट का यूरिन जो भी ड्रॉप है उसको क्या करना है, डिस्कार्ड करना है, ठीक। ये क्या है, मिड स्ट्रीम यूरिन ये काम में लेते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोसीजर की, फीमेल में कैसे कलेक्ट करते हैं उसके बारे में, प्रोसीजर फॉर फीमेल। इसमें देखिए, इसमें स्प्रेड लेबिया माइनोरा विथ फिंगर एंड क्लीन यूरेथ्रल एरिया विथ एंटीसेप्टिक स्वाब, मूव फ्रॉम फ्रंट यूरेथ्रल ओरिफिस टू बैक टुवर्ड एनस। इसमें देखिए, जो भी लेडीज है वो जो भी सैंपल लेगी उससे पहले वो क्या करेगी, जो भी लेबिया माइनोरा है उसको अपने फिंगर से स्प्रेड करेगी, फिर उसके बाद में जो भी एक क्लीन स्वाब लेगी उसके सहायता से क्या करेगी, क्लीन करेगी। तो किधर से किधर करेगी, वो फ्रंट से बैक की साइड में, जो भी मतलब यूरेथ्रल ओरिफिस है उस साइड से लेके, और जो भी बैक साइड है एनल साइड है उस साइड तक लेकर, ठीक है। जैसे बात इसमें देखिए, होल्डिंग लेबिया अपार्ट ड्यूरिंग यूरिनेशन कलेक्ट मिड स्ट्रीम यूरिन 90 to 120 ml इन ए स्टराइल कंटेनर। उसके बाद में जो भी स्टराइल कंटेनर है उसमें यूरिन है वो कलेक्ट कर लेंगे, वैसे 120 ml तक, ठीक है। अब इसमें हम फोर्थ जो भी मेथड है वो देखेंगे, कैथेटर मेथड। कैथेटर मेथड इसमें जो भी इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर है उससे सैंपल कैसे लेते हैं, ये बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से इसमें से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। इसमें देखिए, यूरिन स्पेसिमेन लेने से पहले जो भी कैथेटर है उसको 10 से 15 मिनट के लिए आप क्या करोगे, रबर बैंड की सहायता से क्लैंप करोगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिखाया, एक फोटो दिखाई है, ये क्या है, ये एक कैथेटर है, इसको यहाँ पे क्लैंप किया गया है, ध्यान से देखिए, क्लैंप किया गया है किसकी सहायता से, रबर की सहायता से, ठीक है, जिससे जो भी यूरिन है वो कैथेटर में क्या हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाए। तो आप इसमें ध्यान से देखिए एक बार, ये देखिए यहाँ पे ये वाली एरिया में क्या हो रहा है, यूरिन कलेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे क्या लगा है, ये है रबर, ठीक है। इसको अब नेक्स्ट इसमें देखिए, एक इसमें नोट लगा के एक बात लिखी है, कभी भी जो भी यूरिन है वो ड्रेनेज बैग से ना ले, क्यों, क्योंकि इसको स्टराइल सैंपल नहीं मानते। मोस्टली मैंने स्टूडेंट को पूछा है कि क्या जो भी कैथेटर मेथड है उससे आप यूरिन कलेक्ट है वो कैसे करोगे, तो उनके दिमाग में ये आता है कि फॉलिस कैथेटर तो लगा हुआ है तो जो भी यूरिन है वो बैग में जाना है, तो बैग में से हम क्या ले लेंगे, यूरिन का सैंपल ले लेंगे, तो वो क्या है, वो गलत है, वो स्टराइल सैंपल नहीं माना जाता, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। तो कैथेटर मेथड में आगे कैसे लेते हैं वो देखिए, जो भी स्पेसिमेन है वो कैथेटर के सैंपलिंग पोर्ट से लेते हैं, ये देखिए आप यहाँ पे देख रहे हो, ये कैथेटर है, इसके सैंपलिंग पोर्ट से लिया जाता है यहाँ से। अब वो कैसे लेंगे, इसमें देखिए सबसे पहले जो भी कैथेटर पोर्ट है उसको आप बीटाडीन से क्या करोगे, डिसइंफेक्टेड करोगे 15 सेकेंड तक,
ठीक है, इसके बाद में जो भी पोर्ट है, पोर्ट से आप कनेक्ट करोगे सिरिंज को। सिरिंज कौन सी? ल्यूर लॉक सिरिंज, जो भी नेडललेस क्या होती है, सिरिंज होती है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो भी सिरिंज है वो कौन सी है, ल्यूर लॉक सिरिंज। ल्यूर लॉक सिरिंज ये आप किसे अटैच करोगे, जो भी पोर्ट है, किसे, किसके पोर्ट से, कैथेटर के पोर्ट से, और वहां से आप क्या लोगे, जो भी यूरिन है वो कलेक्ट कर लोगे। ठीक है, कल्चर उसके लिए आपको कम से कम 3 ml, और जो भी रूटीन सैंपल है उसके लिए आपको कम से कम 20 ml जो भी यूरिन है वो लेना पड़ेगा। ठीक है, सिरिंज की सहायता से। कौन सी सिरिंज? ल्यूर लॉक सिरिंज की सहायता से हम लेंगे। ये कैथेटर की सहायता से क्या किया जाता है, जो भी यूरिन का सैंपल है वो लिया जाता है। नेक्स्ट है, इसके बाद में जो भी सैंपल है उसको स्टराइल कंटेनर में डाल के 20 मिनट के अंदर अंदर उसको आपको लैब के अंदर भेजना है, और वो रिक्विजिशन फॉर्म के साथ में। ठीक, इसमें नेक्स्ट देखिए, सुप्रा प्यूबिक टेप मेथड। इसके अंदर क्या होता है, जो भी सैंपल है वो यूरिनरी ब्लड से लिया जाता है, और वो कैसे, जो भी नीडल है उसको डायरेक्ट किस में इंसर्ट करवाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, इसीलिए इसको हम मोस्ट स्टराइल और लीस्ट कंटामिनेटेड यूरिन कलेक्शन मेथड है वो कहते हैं। किसको? सुप्रा प्यूबिक टैप मेथड को। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे ज्यादा जो भी मोस्ट स्टेराइल और लीस्ट कंटामिनेटेड मेथड है वो किसको मानते हैं, वो है सुप्रा प्यूबिक टैप मेथड। ठीक है, किसको मानते हैं, सुप्रा प्यूबिक टैप मेथड, क्यों? क्योंकि इसे जो भी यूरिन का सैंपल है वो डायरेक्ट ब्लड से लिया जाता है। इंडिकेशन कब? यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन। कौन से केस में लेते हैं? यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, जो भी यूरेथ्रा है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आया हुआ है, तो उसी के कारण से हम सुप्रा प्यूबिक जो भी मेथड है उससे क्या लेते हैं, यूरिन का सैंपल लेते हैं। अब हम नेक्स्ट हम बात करेंगे जो भी यूरिन प्रिजर्वेटिव है उनके बारे में। इसमें देखिए, तो जो यूरिन प्रिजर्वेटिव एजेंट है वो कौन कौन से है, वो है 1 to 2% बोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जालिक एसिड और HCl। ये क्या है, यूरिन प्रिजर्वेटिव एजेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन से एजेंट है वो प्रिजर्वेटिव के यूज में काम में लिया जाता है यूरिन कलेक्शन में, ठीक है, और कौन से काम में नहीं लिया जाता। ठीक है, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इस पर एक बार नजर मार लेना। इसमें नेक्स्ट देखेंगे हम यूरिन प्रॉपर्टीज। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। कलर, नॉर्मली यूरिन का कलर कैसा होता है, अम्बर येलो, पेल अम्बर येलो कलर का होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर यूरोबिलिनोजन नाम का पिगमेंट पाया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, एग्जाम में इसे क्वेश्चन यहाँ पे भी आया हुआ है, रेड यूरिन, उसको हम क्या बोलते हैं, हिमेचूरिया। हिमेचूरिया मतलब जो भी यूरिन है उसके अंदर ब्लड आ रहा है, तो उसके कारण से जो भी यूरिन का कलर कैसा है वो है रेड, तो उसको हम बोलेंगे हिमेचूरिया। ठीक है, ब्लड आ रहा है किसमें, यूरिन में, उस कंडीशन को बोला जाता है हिमेचूरिया। ऑरेंज यूरिन, ऑरेंज यूरिन ये कौन सी कंडीशन में देखने मिलता है, ड्यू टू रिफाम्पिसिन। जो भी रिफाम्पिसिन एंटीबायोटिक है, एंटी ट्यूबरकल ड्रग है, उसके कारण से ऑरेंज सिक्रेशन देखने को मिलते हैं बॉडी में। जो भी कलर है यूरिन का वो भी ऑरेंज कलर का देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है ओडोर। जो भी स्मेल है वो कैसी होती है, एरोमेटिक ऑडोर होती है। ठीक है, फ्रूटी स्मेल किसमें देखने को मिलती है, अगर यूरिन के अंदर फ्रूटी स्मेल आ रही है तो वो आपको कीटोएसिडोसिस की कंडीशन में देखने को मिलती है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ठीक है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है पीएच कितनी होगी, वो होगी 4.628। ठीक है, 4.628, और आपको स्लाइट लिया होगी, आपको जो भी एसिडी का वो देखने को मिलेगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना कितनी होगी, वो होगी 1.005 to 1.030। ठीक है, और ये देखिए इंपॉर्टेंट कंडीशन एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आया हुआ है, इंक्रीज इन डिहाइड्रेशन। जो भी यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो किसमें बढ़ती है, डिहाइड्रेशन में। डिहाइड्रेशन में क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जो भी यूरिन है वो क्या होगा, गाढ़ा होगा, ठीक है, विस्कस रहेगा। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगी, इसकी ग्रेविटी है वो बढ़ जाएगी। डिक्रीज इन डायबिटिक इंसिपिडस, क्यों? जो भी डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन में यूरिन है वो क्या रहेगा, वो डायल्यूटेड यूरिन रहेगा। ठीक है, तो इसके कारण से क्या होगा, उसकी जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक, नेक्स्ट देखिए केमिकल टेस्ट ऑफ यूरिन। जो भी यूरिन का केमिकल टेस्ट करते हैं उसके बारे में देखेंगे हम, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। ये किसके लिए किया जाता है, ब्लड के अंदर शुगर चेक करने के लिए हम बेनेडिक्ट टेस्ट है वो करते हैं। यूरिन टेस्ट ऑफ कीटोन बॉडीज, यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज का पता लगाने के लिए जो भी रोथरा टेस्ट है वो किया जाता है। ठीक है, एसीटोन की प्रेजेंस का पता करने के लिए कि यूरिन के अंदर एसीटोन है, कीटोन है, प्रेजेंट है कि नहीं, उसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, रोथरा टेस्ट।
यूरिन टेस्ट फॉर 22 साल, 22 साल के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, वो करते हैं हेयर टेस्ट। ठीक है, हेयर टेस्ट है वो किया जाता है 22 साल के लिए। बाइल पिगमेंट है उसके लिए कौन सा टेस्ट करेंगे, स्मिथ टेस्ट। और यूरिन के अंदर प्रोटीन का पता करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, वो करते हैं हो टेस्ट एंड कोल टेस्ट। ठीक है, ये पांचों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, आपको इसको मार्क करके रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था यूरिन कलेक्शन के बारे में। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, आपको इसके नोट चाहिए, तो वो आपको हमारे जो भी नर्सिंग ऑफिसर का कोर्स है उस पर आपको मिल जाएंगे, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, टेस्ट मिलेंगे, वीडियो लेक्चर वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, वो भी आपको सिर्फ 699 रुपये में मिलेगा, वो भी 1 साल के लिए कोर्स है, ये आपको 1 साल के लिए मिलेगा 699 में, जिसमें आपको पीडीएफ मिलेंगी, टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, 9 नर्सिंग पार्ट मिल जाएंगे, और वीडियो लेक्चर है वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कोर्स है हमारी एप्लीकेशन ओम नर्सिंग अकेडमी पे अवेलेबल है, आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, और इसका लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, तो वहां से जाइए और हमारी एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कीजिए। ठीक, फिलहाल के लिए इतना ही, ओम नर्सिंग अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।